तो हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो सब बढ़िया होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो भाई आज लेकर आ चुके हैं फिर से एक और अपना स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन, जो कि एलेक्सा वेरिएंट रहने वाला है और प्रॉपर हमारे पास से जेड एक्स कन्वर्ट होकर जाने वाला है इस टाइम। तो बिना किसी तरीके पूरी गाड़ी को कवर करते हैं कि क्या क्या इसमें काम रहने वाला है। इसमें अपनी दो वीडियो रहने, मतलब दो गाड़ी रहने वाली है, एक अपनी एलेक्सा है और वो भी दूसरी एलेक्सा है, एक दूसरी साइड खड़ी है अपनी। तो पहले दिखाते थे इस वाली को, इसका कस्टमर फीडबैक लेंगे, फिर दूसरी वाली गाड़ी दिखाएंगे अपना। तो बिना किसी तरीके मिलवाते हैं अंकित भाई से, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। स्वागत है, क्या चाल अंकित भाई? बढ़िया भी, आप कैसे हो? बढ़िया। आज क्या लेकर आगे अपना? ये बेस मॉडल शिफ्ट रहने वाली है, जो कि एलेक्सा 2024 मॉडल, 2024 मॉडल जिसे कन्वर्ट कर रहे हैं जेड एक्स प्लस प्लस में अपना, है ना? क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ ऐसे आइटम है जो इसके अंदर नहीं लगे हैं। बजट का भी इशू था, लेकिन भैया का थोड़ा माइंड इशू भी था, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे उस चीज को, नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो दूसरी गाड़ी कवर करेंगे, तो उसमें भी आप मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। वैसे ऑल ओवर इसमें हम लोग ने आइटम सारा कुछ मैक्सिमम जो लगा है वो भी बताएंगे, जो नहीं लगा है वो भी बताएंगे अपना, ना? तो फ्रंट लुक से देखो, बात करें तो जो चीज लग जाती है, क्योंकि फ्रंट लुक में इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ। फ्रंट लुक में आपने मॉडिफिकेशन हमारा देखा होगा, हेडलाइट में मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, एलईडी के अंदर लगवा सकते हो। अच्छा, दो ऑप्शन होता है, लेकिन इसके अंदर एलईडी इंस्टॉल नहीं हुआ है। फॉग लैम्प इसके अंदर नहीं लगा है, फॉग लैम्प भैया को लगवाना नहीं है, एलईडी नेक्स्ट टाइम लगवाएंगे, बजट हो नहीं रहा। और जो बोले फॉग लैम्प मारुति जेन्युइन भी मिलेगी अपने पास, प्रोजेक्टर भी मिल जाएगा, सब ऑप्शन है अपने पास, जैसा आपको चाहिए। और जो बात करें आफ्टर मार्केट की, तो आफ्टर मार्केट सबसे ज्यादा हम ही लगा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो जो मारुति जेन्युइन है उसमें भी रिस्पॉन्स नहीं है। मेन बात है आपको 30 से 35 वॉट की एलईडी इनबिल्ड मिलती है, उसमें रोशनी नहीं मिलता। अच्छा, रोशनी उतना है ही नहीं, जब तक आप प्रोजेक्टर नहीं लगाओगे तब तक आपको रोशनी रोड पे मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब वर्ट रेडी नहीं बनता। बात करते हैं साइड लुक की। साइड लुक में आप देख सकते हो, सबसे पहले अलॉय व्हील जेन्युइन रहने वाले भी है, जो कि हमने लगाए अपने पास से। जी, रेट बताऊं तो 22,500 का आपको रेट मिल जाएगा, बेस टू टॉप करवाने एलॉय एलॉय का, एलॉय एलॉय का सिर्फ, टायर का अलग रहेगा भैया, वो आपको पर डिपेंड, आप कौन सा लगवाना चाहते हो बात करा देंगे अपना, ना? बिल्कुल। उसके बाद अलॉय व्हील आप देख लो, डायमंड कट में अपनी रहने वाली है, 15 इंच की अलॉय व्हील आपको मिलते हैं मारुति से। अपोलो के यहां पर टायर लगा दिया हम लोगों ने, देखो अपोलो का यहां पर टायर रहने वाला है। उसके बाद यहां पर फेंडर गार्निश लगा दिया, जी ड्राइव की, जो कि बेस मॉडल की बोले तो सबसे बड़ी पहचान होती है, यहां पर फेंडर पे इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर होती है भैया, उसके बाद फेंडर गार्निश, फिर यहाँ पे साइड में टॉप मॉडल वाले लगा दिए, प्रॉपर रहने वाला, जो कि प्रॉपर रहने वाली है। मैं आपको एक बार रिमोट से चेक भी करवा दूंगा, बिल्कुल। फिर हैंडल क्रोम लगा दिए भाई, जिसपे आपको एक साल की वारंटी मिलती है, इस पे कभी भी आपके जंग वगैरह नहीं आएगा। और इससे भाई एक चीज हो रहा है कि जैसे खोलेंगे ना तो कोई हाथ कटने वगैरह का नहीं है, क्योंकि ये थिकनेस इसकी थोड़ी हैवी रहती है, जो थिकनेस वाली आफ्टर मार्केट लोग, इसमें हाथ का इशू रहेगा। उसके बाद नीचे साइड बिल्डिंग, नीचे भी साइड बिल्डिंग लगा दी, जो कि मारुति जेन्युइन रहने वाली है, प्रॉपरली आप देख लो फिटिंग वगैरह, और ग्लोस में रहने वाली है, मैट में नहीं लगा है, बिल्कुल ब्लैक और अपना ये क्रोम में रहने वाला है, बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने पूरा रूफ ब्लैक किया, आप देख सकते हो, आप गाड़ी देख सकते हो, आप डबल टोन वाली इसकी वारंटी मिलती है, 5 साल के बाद भी आप इस रैप को हटाते हो तो जैसा आपकी अभी पेंट है नेचुरली, वैसी ही पेंट आपको उस टाइम भी मिलेगी। पेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कभी ये अपनी पेस्टिंग वगैरह नहीं छोड़ेगा, चिपचिप वगैरह आपको कहीं नहीं देखने वाला। अच्छा जी, प्रॉपर देख सकते हो। ऊपर अपना एक सार्फेन एंटीना भी लग जाता है, जो कि कस्टमर को नहीं लगवाना है, छेड़वाना नहीं है इसको। उसके बाद पीछे बैक साइड में हम लोगों ने स्पॉइलर लगा दिया, फिटिंग फिनिशिंग लुक को एक बार चेकआउट कर लो आप, ऑल ओवर गाड़ी की देख सकते। पिलर्स भी यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक कर दिया, पिलर भी ब्लैक कर दिया, हाफ गाड़ी एक तरीके से रहने वाली, पीछे स्पॉइलर भी लगाने वाली है। फिर उसके बाद पीछे बैक साइड में हम लोग आते हैं भैया, तो यहाँ पे हम लोग ने कैमरा लगा दिया, जो कि ओएम फिटमेंट के साथ आती है। अभी तक तो जितने आपने स्विफ्ट में देखा होगा, ओएम फिटमेंट वाले कैमरे ही लगाए हम लोग ने। अच्छा, ऐसे नहीं लगाए जो यहाँ पे होल कर दिए, बहुत बंदों को आपने देखा होगा यहाँ पे होल, यहाँ पे होल कर देते, ऐसे लगा देते हैं। अपनी जो फिटिंग रहने वाली ओएम फिटमेंट रहने वाली, और प्रॉपरली एचडी कैमरा मिलता है। अच्छा, पीछे आपको इसमें डिफोकर मिल जाता है, वो बेस मॉडल से, बेस मॉडल से आपको मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बात, उसके बाद भी बैक साइड में आप रिफ्लेक्टर लगवा सकते हो, भैया ने नहीं लगवाया, उनको लगवाना नहीं था, आप रिफ्लेक्टर लगवा सकते हो। अच्छा, उसके बाद भी यहाँ पे मडफ्लैप की फिटिंग हो रही है, देख लो चेकआउट कर लो आप, मडफ्लैप बेस मॉडल में रहने वाला, तो कीचड़ वगैरह गाड़ी पे ज्यादा ना लगे। कभी भी भैया अपनी कीचड़ वगैरह आती है तो ऐसे करके पूरी पीछे तक आती है, तो मडफ्लैप लगने से होता है कि कीचड़ आपके नीचे जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सेफ कर लेती है गाड़ी। इसमें डैम्पिंग नहीं हुई भैया, डैम्पिंग नहीं हुई है इसके अंदर, डैम्पिंग नहीं की है, बाकी इन्हें हैंडल चेंज नहीं हुआ है। किसी को ये अपना ग्लॉस में चाहिए चाहे कार्बन फाइबर में चाहिए, दोनों अपने पास अवेलेबल रहता है, आप चेंज करवा मिल जाएगा अपने पास अपने। स्टीयरिंग इसके अंदर चेंज नहीं हुआ भैया, स्टीयरिंग आपको किसी भाई को कंट्रोल इसी में, जैसे बात करें ओवरऑल की। हाँ, तो बाहर से गाड़ी पूरी तैयार हुई है, टॉप मॉडल में, अंदर से कुछ कुछ चीजें रह रही है अभी अपने, भैया दो चार आइटम रह रहे हैं, लेकिन भैया का थोड़ा सा माइंड इशू भी था और बजट की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो भैया ने कहा कि अभी जो मेरा मेन है मैं उसको करवा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम तो मैं आऊंगा इस चीज को फिर मैं कवर कर लूंगा। अच्छा, तो उनकी बात भी मुझे सही लगी, तो फिर मैंने उनको वैसा ही गाड़ी कर, बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो अपना सीट कवर रहने वाले, जो बकेट फिटिंग में रहने वाले हैं, एयरबैग के साथ एयरबैग की प्रॉपरली कटिंग दी जाएगी, जिससे कहीं पे भी स्टिचिंग वगैरह आपकी क्रेज वगैरह होती है तो इजीली ये अपनी इफेक्ट आपकी कड़ी आएगी, बिल्कुल। एंड्रॉइड यहाँ पे लगा दिया, डायमंड वाला एंड्रॉइड लगा दिया भैया, जो कि आपकी प्रॉपरली फिटमेंट आती है फ्रेम के साथ, और फ्रेम भी इसके पीछे भी ग्लॉस रखा गया। अच्छा, ग्लॉस रखा गया, ग्लॉस इसके पीछे फ्रेम देख सकते हो, हर कोई मैट लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग ग्लॉस ही दे रहे हैं शुरू से लेके अभी तक, पुराने वाली शिफ्ट हो चाहे कोई भी हो, कोई सी भी हो, बिल्कुल। इसके अंदर स्पीकर लगाए भैया जेबल के, विद ट्यूटर
और जेन्युइन की पहचान देख लो। देखो जेन्युइन की पहचान आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा अपना, यहाँ पे लोगो मिलता है जेवल का। अच्छा। आफ्टर मार्केट पे लोगो नहीं आएगा और आफ्टर मार्केट की सर्विस आपको कंपनी से मिलेगी। हम जो आपको देते हैं उस पे कंपनी से सर्विस मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जेवल वगैरह से आप सर्विस इसके ले सकते हो इस साल तक। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद नीचे की तरफ उन्होंने यहाँ पे 90 मैट इंस्टॉल कर दिए जो की आप चेकआउट कर लो प्रॉपर लुक वगैरह में अच्छा रहने और लुक वाइज भी आपकी सीट कवर से मैचिंग समथिंग समथिंग हम लोगों ने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सीट कवर्स भी आपको वारंटी मिल जाती है, बाकी तो हर चीजों पर फोल्ड एंड फोर आपको दिखाया था। तो भी गाड़ी की की आई थी, इससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फोल्ड एंड फोल्ड हमारा प्रॉपरली होगा, साउंड नहीं करता बेस मॉडल से। जिन भाई के पास बेस मॉडल है उनको पता होगा। अगर किसी भाई को करवाना है तो इसमें जीरो ग्रेविटी वाली मतलब कि जीरो डोर वाली सेंटर लॉक लगेगी, तो आपका साउंड भी आपका चालू हो जाएगा अगर आपको करवाना है तो। अच्छा, वैसे वो अभी तक लगाए भी नहीं और रेफर भी नहीं करते। अगर आपको करवाना है तो ये चीज पॉसिबल है गाड़ी के अंदर। अच्छा। और ये जैसे मैं अनलॉक करता हूँ भैया तो प्रॉपरली अनलॉक होगा, और प्रॉपरली मैं लॉक करता हूँ तो प्रॉपरली फोल्ड होगा, सब चीज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर डोर वाइजर किसी भाई को चाहिए डोर वाइजर मिल जाएगा, लोअर गार्निश मिल जाएगा, दोनों आइटम अपने सारे ऑप्शन शिफ्ट के लिए हमारे पास रहने वाले जी भी। आगे से कुछ आपको चेंज करवाना है वो भी हो जाता है, सब कुछ मैंने आपको ऑल ओवर दिखा चुका हूं। एक बार इसका साउंड सेटअप, साउंड सेटअप सुना देते हैं फिर कस्टमर फीडबैक लेंगे। जी बिल्कुल साउंड सुना दिया है हमने डायमंड के साथ, अच्छा खासा फैमिली कॉन्सेप्ट की तरह रहने वाला है अपना। तो बजट क्या रहने वाला है अंकित भाई इस गाड़ी में? भैया इस गाड़ी का मैं बजट बताऊं आपको, अगर अलॉय आप छोड़ते हो तो 40-42 के समथिंग में इस गाड़ी का बजट रहने वाला पूरा, जो भी आप कुछ काम हम देख रहे हो। अच्छा, अलॉय के साथ? अलॉय वगैरह लेते हो आप अलॉय व्हील के साथ, वही 30,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा टायर के साथ। टायर के साथ, टायर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना कस्टमर फीडबैक दिलवाते फिर अपनी वीडियो को दूसरी गाड़ी पे स्टार्ट करेंगे, है ना? हाँ जी बिल्कुल। कस्टमर रहने वाले भैया आए कहाँ से हो? शंकर विहार से। अच्छा, ये नो आसपास के रहने वाले हो ना? हरियाणा रोहतक। अच्छा अच्छा, हरियाणा रोहतक से आए हो। तो कहाँ पे भाई से कैसे कनेक्ट हो गए, कहाँ पे वीडियो वगैरह देखी? वीडियो दे, आपकी वीडियो देखी YouTube पे? YouTube पे। अच्छा, तो जैसे वीडियो देख, जैसे कि आप आए, पहले तो अपना नाम बताइए भैया। मेरा पवन कुमार नाम है। अच्छा, और भैया आप गाड़ी लेके आए, जैसे हमारी वीडियो आपने देखी, जैसा हमारा चीज आपने देखा, वैसा चीज आपको मिला कि नहीं मिला? हाँ बिल्कुल मिला भाई। काम पर्सनली आप आए देखने के लिए, खुद फौजी भाई है वैसे, मैं बताऊँ आपको तो दिल से सम्मान रहता है। लेकिन जैसे आप आए, काम वाम देखा YouTube वगैरह पे आपने, जो जो आपने रेट देखा, जो जो आपने प्राइस देखा, कुछ आपको ऊपर नीचे देखने को मिला? ना कुछ नहीं मिला भाई, सारी जो बताओ रहने वाली है। और जैसी फिनिशिंग भी दिखाए थे वैसी फिनिशिंग आपको मिली कि नहीं? अच्छी फिनिशिंग हुई भाई। कोई भी चीज आपको गलत लगी भैया? ना कुछ गलत नहीं लगा, जो बताया वही लगा, जो नहीं बताया में वो, चाहे कोई भी आप उनको रेफर करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, जाना चाहिए करोल बाग में। हाँ करोल बाग में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया एक नॉर्मली पूछे, 10 में से नंबर देना चाहे काम को, तो कितना नंबर देना चाहिए? 10 में 10 ही देना। 10 में से 10 खुश होकर जा रहे हो ना? बिल्कुल भाई। फाइनली ये वाली गाड़ी भी कम्प्लीट हो चुकी है और ये दिखा रहे हैं फाइनल लुक पे। फाइनल क्या रहने वाला भाई? भैया इसके अंदर बेस टू टॉप तो हुआ है, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे ऐसे काम है, थोड़ा काम उसमें था, तो थोड़ा काम इसमें था अपना, दोनों को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में अपना। सबसे पहले भी आपको मैं फ्रंट लुक में बता दूं, तो फ्रंट लुक में इसमें भी कुछ अपडेट नहीं है। हाँ, जैसे पहली वाली गाड़ी, जैसे पहले वाली में था वैसे ही है, फ्रंट लुक में कुछ अपडेट नहीं है। एलईडी का चाहिए आपको तो ऑप्शन है अपने पास, आप लगवा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। साइड में व्हील कैप इंस्टॉल कर दिए, टायर बेल्ट प्रॉपरली लगा चुके हैं, फेंडर गार्निश लगा दिए, और यहाँ पे फेंडर बेस मॉडल की पहचान आती है एक तरीके से, इसलिए फेंडर गार्निश लगा दिए। और मेरे अपने इंडिकेटर वाले रहने वाले, ऑटो होल्ड नहीं है, ऑटो होल्ड नहीं है। और वो जो कवर है उसका वो रैप होने गया, क्योंकि वो रैप होने गया। ये गाड़ी भी डबल टोन में रैप हुई है ब्लैक कलर में अपना, है ना? पूरी छत देख सकते हो आप यहाँ पे, और पिलर्स वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे ब्लैक कर दिया ऊपर से हम लोगों ने। तो भैया साइड प्रोफाइल में आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे डोर वाइजर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिए, चेकआउट कर लो आप प्रॉपरली। ये विदाउट क्रोम वाले रहने वाले, विदाउट क्रोम वाले रहने हैं। 4 शिफ्ट की आपको बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, किसी भाई को लोअर गार्निश, हैंडल क्रोम, साइड फिटिंग, तीनों चीज मिल जाएंगे अपने पास। मट फ्लैप चाहिए वो भी मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएगा अपने पास, है ना? बैक साइड में आते हैं भैया, बैक लुक की देखो, ये डिग्गी मैंने कभी पहले बंद। सबसे पहले तो देखो आप हाफ छत यहाँ पे जो हम लोगों ने ब्लैक किया है लुक वाइज, और यहाँ पे कितनी प्रीमियम लग रही है गाड़ी आप देखने में, आप मुझे बता देना एक बार कमेंट में कैसी लग रही है गाड़ी। बिल्कुल। नीचे यहाँ पे अपना HD कैमरा लगा दिया है जी, प्रॉपर फिटिंग के साथ भैया, और बैक साइड में यहाँ पे स्पॉलर भी लगाया, ABS क्वालिटी जी, ABS क्वालिटी रहने वाली, जो कंपनी फिटर जैसी आती है वैसी सेम फिटिंग इसकी रहने वाली है। उसके बाद भैया किसी भाई को रिफ्लेक्टर चेंज करवाना तो आप करवा सकते हो। अंदर की तरफ आते हैं भैया, किसी भाई को इनर हैंडल चाहिए, यहाँ पे बुलन का पार्ट चाहिए तो आप ले सकते हो। वैसे इसके अंदर पाइनियर के स्पीकर लगाए हैं जो कि आगे कॉम्पोनेंट को एक्सल रहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो
ट्विटर इसके लगा चुके हैं हम लोग। पायनियर देखो आपको यहाँ लिखा भी दिख रहा होगा जी, यहाँ पे आगे की तरफ पायनियर का कंपोनेंट है, पीछे की तरफ कोएक्सल है भैया। अंदर से सेम स्टूडियो डायमंड वाली स्टूडियो रहने वाली है। बकेट फिटिंग सीट कवर, सीट कवर भी आप चेकआउट कर लो भैया। सीट कवर देख सकते हो, बकेट सीट कवर रहने वाले प्रॉपर वही जो कि हमने पहले दिखाया था आपने, उसमें खासी क्वालिटी रहने वाली। लाइफ कितने साल की मिल जाती है अंकित भाई? भैया आराम से 5-10 साल आराम से कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा। वैसे तो आपको अच्छी इस पे वारंटी भी मिल जाता है, लेकिन क्वालिटी भी प्रीमियम रहने वाली है। फिटिंग फिनिशिंग देख लो, रिंकल वगैरह आपको बिल्कुल बटिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिटिंग फिनिशिंग भी अच्छी है। अपना आर्मरेस्ट लगा दिया है और यहाँ पे भी आर्मरेस्ट है, वही अपना जो आपको मैं बताया। इस गाड़ी में स्टीयरिंग भी चेंज हुआ है साथ के साथ अपना, देखो स्टीयरिंग अपना ये ZXA वाला रहने वाला है। नीचे इसमें देखो फ्लोरिंग कर दी है और ऊपर से इसमें डाल दिया 70 मैट अपना, है ना जी? भी बिल्कुल 70 मैट वगैरह सब कुछ प्रॉपरली है। स्टीयरिंग यहाँ पे डाल दिया, क्रूज वगैरह वर्किंग नहीं होता, बाकी प्रॉपरली आपको ये कंट्रोल्स इसमें मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अतुल भाई बिना किसी देरी के, कि क्या क्या प्राइस इसमें हम देने वाले हैं। छोटी सबसे बेस्ट से बेस्ट, बिल्कुल भैया स्टार्ट करते हैं पहले स्टीयरिंग से भैया। इसके अंदर स्टीयरिंग है जो हम आज आपको प्राइस देने वाले हैं, सबसे हटके सबसे बढ़िया। अच्छा, मात्र आपको देना है इसका 3200 रुपए। 3200 रुपए विद हब के साथ? विद हब लगा के देंगे। हब की बात करें तो फ्री रहेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा 3200 रुपए के साथ आपको हम कम्प्लीट लगा के देंगे। आपको इसके अलावा 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, ठीक है? बात करें फिटिंग कैसे होती है गाड़ी के अंदर, कपलर टू कपलर फिटिंग होगा, कंपनी की कोई वारंटी वॉइड नहीं होगा। भाई मारुति जैमिन की पहचान क्या रहने वाली है? भैया ये चेक करो ना आप, अंदर स्कैनर मिल जाएगा, पार्ट नंबर मिल जाएगा। मैं सब कुछ आपको इसलिए डिटेल दिखा देता हूँ क्योंकि कल के डेट में हमारे कोई भाई गुमराह ना हो। काफी जगह क्या होता है भैया, स्टीयरिंग आपकी गाड़ी का निकाल लेगा और कंट्रोल आपको पुराना सेकंड हैंड डाल देगा। वैसे तो भाई इसमें कोई आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग भी आता है या कैसा? अपने? कंट्रोल आता है भी, आफ्टर मार्केट आता है। आफ्टर मार्केट कंट्रोल आता है, स्टीयरिंग नहीं, स्टीयरिंग नहीं आता आफ्टर मार्केट, ठीक है? दोनों चीजें ही आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएगा, लेकिन जो भाई पूरी स्टीयरिंग लेता है उसको आफ्टर मार्केट पॉसिबल ही नहीं मतलब है। आपका उतरेगा हमारे यहाँ पर प्रॉपर दूसरा स्टीयरिंग लगेगा बिल्कुल, वो काफी जगह, बिल्कुल काफी जगह जैसे आप जाते हो ना भैया, तो आपको स्टीयरिंग भी दिखाया जाएगा, ये भी दिखाया जाएगा, लेकिन आपको कन्वर्ट कर देगा। हाँ, कंट्रोल पे कहेगा भैया स्टीयरिंग मत चेंज कराओ, स्टीयरिंग आपके रहने दो, कंट्रोल अपडेट करा लो, कंट्रोल में कंट्रोल इसलिए अपडेट करा लो ना, कंट्रोल आता ही जब 1500 रुपए की है वो आपको 3000 रुपए के लगा के दे देगा। अच्छा। ठीक है, तो ये सीन होता है। मैं आपको 3200 में हब फ्री करके दूंगा, आपको फ्री हब को सब लगा के दूंगा। अच्छा। हब के पैसे आपको कुछ नहीं देना है। एमआरपी की बात करूं हब की, आपको ये देखो भैया 1080 आपको हब की एमआरपी मिलेगी। 1080 हब की एमआरपी, मतलब ये 1100 रुपए का सामान आपके लिए फ्री रहेगा, फ्री रहने वाला है स्टीयरिंग के साथ अपना, है ना? प्रॉपर बेस्ट ऑफ वर्क पे अपना, है ना? बिल्कुल। बात करें सिल्वर वाली स्टीयरिंग, जिस भाई को सिल्वर फिनिशिंग वाली चाहिए उसको मात्र हम दे देंगे 4500 रुपए। 4500 में आपको ओएम रैप मिल जाएगा यहाँ पे अपना, और प्रॉपर ये सिल्वर पार्ट मिल जाएगा, प्रॉपर सिल्वर पार्ट मिल जाएगा। काम होते हैं वो दोनों के सेम रहने वाले, काम दोनों को सेम रहने वाला है, ठीक है? ये भी कपलर टू कपलर फिटिंग है, इसमें भी स्कैनर दे रखा है, कंप्लीट हमें स्टीयरिंग उनको दे देंगे 4500 रुपए। बात करते हैं भैया मिरर की, जो साइड मिरर की, ये चेक करो भैया, ये प्रॉपर अपना न्यू रहने वाला है, कपलर टू कपलर विद पार्ट नंबर स्कैनिंग के साथ आपको मिल जाएगा। ये होती है मारुति जैनमिन की पहचान अपना, है ना? बिल्कुल भैया, ये अपने टॉप मॉडल वाली मिरर है जो हम आपके गाड़ी में मात्र आपको इंस्टॉल करके दे देंगे 6990 रुपए में। 6990 रुपए में कपलर टू कपलर प्रॉपर तरीके से। इसकी एक आपको कंफ्यूजन दूर कर दो, तो इसके साथ अपना एक स्विच आता है फोल्ड एंड फोल्ड वाला, वो रहने वाला है। इसके साथ एक अलग से रिले लगती है, वो अगर आपकी पर्सनल चॉइस है वो लगवाना चाहते हो तो वो अलग से लगती है, अपनी वो अलग से लगता है, लॉक अनलॉक पे प्रॉपर वर्किंग करती है। अगर फोल्ड एंड फोल्ड वाली फीचर चालू कराना है तो उसको आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा बात करते हैं मार्केट में अभी स्कैम जो चल रहा है। हमारे पास कल ही एक कस्टमर आया था जिसकी गाड़ी के अंदर मिरर फ्री का लगा हुआ था, कहीं से उन्होंने काम कराया था तो मिरर फ्री लगा रखा था। अब आप जानना चाहते हो भाई मिरर कौन सा फ्री लगा रखा था, सेकेंड हैंड लगा रखा था। अच्छा, मैंने कस्टमर को हाथ तो हाथ चेक करा दिया, खोल के मुझे कुछ नहीं करना पड़ा भैया, ये वाले पार्ट उसके अंदर नहीं रहेगा। अच्छा, वीडियो पर उन्होंने फ्री बता रखा था और लगा के भी दिया है, पर लगा के दिया है लेकिन पुराना दिया है। अच्छा। नया नहीं दिया, वो आपका 2 महीने चले 3 महीने चले कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है। और अतुल भाई जैसे उन्होंने मिरर फ्री दिया तो और रेटों के भी आपने पता करी कि और रेट को क्या रेट दिया? स्टीयरिंग दे रखा था ना 4500 रुपए की, 4500 रुपए स्टीयरिंग 4500 रुपए की दे रखा था, जो हम 3200 का दे रहे हैं ना। अच्छा, वो 4500 की थी, उसमें साइड में लगा उसका मेकअप करने के लिए, मेकअप कर लिया। 1500-2000 रुपए की पुराना आता है भैया, तो मैनेज कर लिया उसने, ठीक है? लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमारे पास जो रीजनेबल रेट आ चुका है वो रेट में हम आपको देंगे। ये चेक करो भैया, कपलर भी इसका पूरा नया रहेगा, सील्ड पैक रहेगा, पैकिंग पूरी नई रहेगी, प्लस पॉइंट पे स्कैनर रहेगा, प्लस पॉइंट पे इसके ऊपर कोई धूल मिट्टी कोई पानी वानी कुछ ऐसा नहीं रहेगा, चेक कर सकते हो। और मेरे पास आप जब बिल्कुल जब मेरे पास आप आओगे तो मैं आपको डब्बा पैक खोल के दूंगा, वो आपके नजर के सामने रहेगा बिल्कुल। उसके बाद अतुल भाई अपना रहने वाला है मेन चीज जो कि बाहर लगता है, और इसके बिना पूरी गाड़ी तैयार कर लो ये नहीं लगा तो गाड़ी में लुक भी नहीं आता, है ना? लुक भी नहीं आता। अपना रहने वाला अलॉय मारुति जैनमिन, मारुति जैनमिन अलॉय व्हील 2024 का। बात करें प्राइसिंग का, जो मार्केट में प्राइसिंग क्या है, मार्केट में इसका 28,000 है, 27,000 है, कहीं कहीं अपने काउंटर पे मात्र 22,500 बेस्ट ऑफ प्राइस रहने वाला है। और इसकी बात करें
स्टेरिंग आपको देखो यहाँ भी मिल जाएगी मारुति जैनमिन की एलोई में, और 15 इंच का ये एलोई रहने वाला है ऐसे। प्लस पॉइंट पे भी है मारुति के अंदर, इसके अंदर क्या फीचर है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखो भैया इसके अंदर भी आपको मारुति मिलेगा, मारुति सुजुकी। देखो मारुति सुजुकी को यहाँ पे आप लोगो भी मिल जाएगा अपने, है ना, ठीक है। और ये आपको जो मैं प्राइस जितनी भी चीजों का दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है सिंगल पार्ट पे दे रहा हूँ, बेस टू टॉप पे जो भाई सारा काम कराएगा उसके लिए प्राइस रहेगा, उसके लिए प्राइस रहने वाला है अपना ना। बात करें गियर नॉब का तो ये हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री लगा के कॉम्प्लीमेंट्री रहने है? वाला है भाई। एमआरपी की बात करें भैया 350 रुपए की एमआरपी है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री आता है। इसके अंदर भी हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, एक आफ्टर मार्केट में भी आता है, बाकी प्रोजेक्टर वाले भी आते हैं। तब प्रोजेक्टर वाले के अंदर हम प्रोजेक्टर हम अपने पास रख रखे हैं, जिस बंदे को चाहिए IPH का मिल जाएगा। अच्छा, प्राइसिंग का क्या भी आप इसके अंदर अलग अलग रेंज आते हैं। IPH रिकमेंड क्यों करते हो तो भाई कि IPH लगाओ भैया, क्वालिटी है IPH के अंदर, आप 5 साल भी रख लोगे ना। मारुति जेन्युइन वाली है ना, उसके एक मैं बोलूं तो पार्किंग बल्ब होता है ना उसकी जैसी रोशनी है ना। हाँ उसमें रोशनी नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ 5500 रुपए की लाइट है, 5500 जब आप उसमें खर्च करोगे तो मैं कह रहा हूँ भैया 6000 रुपए इसमें खर्च करो, क्वालिटी है, क्वालिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें मिल जाती है। इनल हैंडल की बात करें भैया, टॉप बेस्ट टू टॉप सारा काम कराते हैं, 900 रुपए की इनल हैंडल लगा के देंगे आपको। अच्छा, बेस्ट टू टॉप अगर कोई सारा कराएगा बिल्कुल, फ्रंट एसी वैंड आपको 450 रुपए एसी वैंड मिल जाएगा आपको, 400 रुपए का बेस्ट टॉप प्राइस रहने वाला है अपना। उसके बाद अपनी पावर विंडो किट बोल सकते हैं, पावर विंडो एक बोल रहा है, हाइड्रोलिक पार्ट बोल सकते हैं अपना, मारुति जैनमिन ये कैसा अपना मारुति जैनमिन अपना ये चेक करो भैया। ये देखो कुछ जो पावर विंडो में आप ग्लास ऊपर नीचे करने वाले पार्ट आते हैं ना, वो हमने हाइड्रोटिव ये रहने वाले हैं अपना। कितने का मिल जाता है तो भाई? भैया देखो अगर आप अपना पार्ट देके करवाते हो तो उसका खर्चा भी है, देखो कुछ पार्ट ज्यादा भी हो जाता है तो उसका खर्चा आ जाता है 4500 रुपए के आसपास का। अच्छा, जब आप जेन्युइन में लेते हो तो आपको वही 4200-4300 पे करना पड़ेगा, ऐसे 6500 रुपए की भी आपको अगर आप लेते हो अपना नहीं देते हो तो 6500 भी आपको पे करना पड़ेगा। बात आती है पुरानी वाली शिफ्ट के चीजों पर अपना। भाई यहाँ पे पावर विंडो रखिए पुरानी वाली 2023 शिफ्ट की, इसका क्या प्राइस रहने वाला है पूरे काम कराने पे? भाई बेस टू टॉप कराओगे 12500 रुपए में दे दूंगा, 12500 रुपए सिंगल। सिंगल अगर कोई काम कराने आता है 14500 भी उनसे ले सकता हूँ, ले सकते हो अपना, है ना। वो प्राइस ऊपर नीचे होते रहते, वो ऊपर नीचे होते रहते, क्योंकि भी आज 12500 का है, कल 13500 का भी हो सकता है, 15000 का भी हो सकता है, लेकिन जो बंदा सारे पूरा ही काम कराने आएगा उसके लिए कभी रेट फर्क नहीं आएगा, 12500 से 1 रुपए ना कम होगा। 2023 का मीटर ये देखो पूरी भरी पड़ी है, देखो ऊपर क्वांटिटी चेक कर सकते हो, ये अपने 2023 वाले के मीटर रहने वाले, मीटर फुल पावर स्टॉक है अपने पास। मीटर की बात करें प्राइस का मात्र उनको 9000 रुपए में दे देंगे, 9000 रुपए में दे देंगे। अतुल भाई बात करते हैं पार्सल ट्रेन रहने वाली कौन सी ईयर की रहने वाली, मतलब कौन सी 2024 की भैया, 2024 शिफ्ट की रहने वाली है। जैसे भाई पूरी गाड़ी तैयार होती है तो एलईडी वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है इस गाड़ी में? सारे मिल जाती है भैया, एंड्रॉइड से लेके स्पीकर से लेके सब अपने पास अवेलेबल है। ये देखो एलईडी की सारी ऑप्शन है, एंड्रॉइड में अपना किक्सोनिक है, एलईडी स्टार्ट कितने से जाती है? डायमंड एलईडी भी अपने पास 2500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, एंड्रॉइड लेते हो 4500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। एंड्रॉइड में हमारे पास सारे मॉडल है भैया, सारे देखो अपने 9 इंची डायमंड वायमंड सब मिल जाएंगे यहाँ पर। स्पीकर में अपने पास सारे ऑप्शन मिल जाएगी, अपना इन्फिनिटी का प्राइमस, डीडी, अवतार, पाइनियर, JBL, सारे ब्रांड अपने अवेलेबल है। अच्छा, जो ब्रांड आपको चाहिए सब मिल जाएगा। तो भाई इसमें फ्लोरिंग वगैरह भी और अपने जैसे बोले सीट कवर वगैरह भी, एक तो इसमें सब में बड़ा इशू आया जो नई वाली शिफ्ट है एयरबैग का, अपना एयरबैग वाले सीट कवर मिल जाएंगे अपने पास भैया? मैं आपको मिलेंगे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ भैया। अच्छा, एयरबैग में क्या होता है, एयरबैग वाला सीट कवर होता है पूरा, ये चेक करो भैया। एयरबैग वाले में क्या होता है, साइड से एयरबैग का जगह दिया रहता है, ड्राइवर से जो दूसरी वाली साइड होता है उसका अपना ये सीट कवर रहने वाला है, जिसमें की प्रॉपर देखो आपको एयरबैग की स्टिचिंग मिल जाएगी यहाँ पे अपना। बाकी सीट 4500 रुपए से स्टार्टिंग होता है, डिजाइन सारे मिल जाएंगे। डैम्पिंग अपने पास काफी अलग अलग तरीके की मिल जाएगी आपको, स्टार्टिंग 500 रुपए से पर सीट है। फ्लोरिंग 1300 रुपए की, 1300 रुपए की रहने वाली है। तो भाई तो बाकी ये सारा कुछ कवर कर लिया, बाकी इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं लास्ट में क्या बचा। तो हमारा रियर एसी जो हमारी शिफ्ट 24 की रहने वाली है पूरी ही पार्ट चेंज होता है। ये रियर एसी जो कि ना ही किसी ने अब तक लगाया, हमने 3-4 गाड़ियों में लगा भी दिया, हर गाड़ी में कर दिया है भैया, बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूं, तो ये देखो भैया ये अपना रियर एसी का पार्ट है। वायरलेस कब चालू होगा? तो भाई ये हो जाएगा बहुत जल्द, बहुत जल्द हो जाएगा, उसकी भी अपनी वीडियो हो जाएगी प्रॉपर अपने, बिल्कुल। ये हमारा भी अपना रियर एसी का पूरा पार्ट पार्ट रहने वाला है। और मार्केट में जो आपके साथ स्कैम होता है कि 100 में से अगर 10% के पास अगर होगा भी ना, तो मैं कहता हूँ भैया ये नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो। ये प्रॉपर अपना ZX प्लस में आता है, जिसमें अपना रियर एसी चालू होता है, बेस मॉडल में ये लगा के प्रॉपर चालू कर देते हैं एसी, बिल्कुल अभी किसी ने चालू नहीं किया, बाकी अगर कोई करेगा तो पार्ट उसके बाद अभी इतना जल्दी नहीं होगा, नहीं होगा। जो पार्ट हमारे पास आ चुका है जो हम लगा रहे हैं वो रियर एसी भी 15-20 दिन पहले चालू करके छोड़ दिया है, अभी छोड़ दिया अपनी गाड़ी में छोड़ दिया, वैसे औरों की गाड़ी में कस्टमरों की गाड़ी में कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा भैया वीडियो, एक नहीं 3-4 गाड़ी में हमने लगा चुका है, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी अपना ये कुछ ये सारा पार्ट था जो हमने बेस टू टॉप में क्या क्या किया था, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल दे दिया है। बाकी बात रहा अब आपका प्यार देना है, किस तरीके से देना है वो आपको मैनेज करना है।
बाकी ये चेक कर लो अपना रूफ लाइट रहने वाला, जो बंदा टॉप कराता है उसको ये भी मिल जाएगा। बिल्कुल ये भी मिल जाएगा, स्टॉक वगैरह भी चेक करा देते, फिर अपनी लोकेशन वगैरह बताएंगे क्या रहने वाली है। ये हमारा भी 2024 का ये रहा पूरा अपना रियर एसी वेंट जो कहते हैं ना, एसी वेंट का सारा माल ये देखो, ये भी नया उतरा ही है, आपको सारा मारुति जैन में मिलेगा ये अपने। यहाँ चेक करो भैया साइड मिरर वगैरह रहने वाले, आगे देख सकते हो सारा ये स्टेयरिंग वगैरह रहने वाला, मारुति जैन में सब आपको मिलेगा यहाँ पे अपना, है ना। बिल्कुल, और सीट कवर भी ऐसा नहीं है जो हम बाहर से लाके लगाते हैं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। स्टॉक ये चेक करो, स्टॉक चेक कर सकते हो, स्विफ्ट का रहने वाला है प्रॉपर, और सारा एयर बैग वाला अपना, है ना, सारा एयर बैग वाला प्रॉपर तरीके से, जितनी भी चीज आपको चाहिए सारा अपने पास जेन्युइन मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद बात करें तो रियर एसी में एक अपना ये धनुष टाइप भी लगता है जो की अपना डैशबोर्ड में लगता है पीछे वाला एसी चालू करने के लिए, रियर अपना फ्रंट रियर एसी चालू करने के लिए हमें पूरी पार्ट पांच छह पार्ट आती है जो हमें पूरा कंप्लीट चेंज करना पड़ता है। तो भाई अपनी लोकेशन वगैरह कहाँ रहने वाली है भैया? लोकेशन रहने वाले दिल्ली करोलबाग अब्दुल अजीज रोड A4 कार एसेसरी, कॉन्टैक्ट नंबर भी 9911567108 मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हर एक चीज का प्राइस ले सकते हो, प्राइस मैंने खैर आपको हर चीज का दे चुका है, बाकी आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो, मार्केट में स्कैम जो चल रहा है उस स्कैम से आप लोग काफी ज्यादा गाइड आपको मिल, बिल्कुल गाइड मिल रहा है, इस चक्कर में हम लोग ये वीडियो बनाते हैं जिससे आप लोग सही जगह जाओ, सही काम करो। वाले डिस्काउंट बोले थे, अपनी वीडियो पे डिस्काउंट क्या रहने वाला? 65% गार्निश क्रोम वगैरह, गार्निश क्रोम वगैरह पे रहने वाले हैं अपन, है ना। वैसे इसकी एमआरपी क्या आती है तुम्हें? इसकी एमआरपी की बात करें तो भैया 950 रुपए की एमआरपी होती है, इसमें 65% आप खुद ऑफ कर, खुद ऑफ कर लो और ये अपने हमारे पास से ले जा सकते हो। कुछ मॉडिफिकेशन रहने वाली स्विफ्ट को लेकर जिसमें कि हम सारा ए टू जेड अपने पास सामान रहने वाला है, वो भी फुल स्टॉक में अपना, फुल पावर स्टॉक। और एक चीज मैं आप लोग को और भाईचारे में कहना चाहूंगा भैया, आप लोग आते हो करोल बाग तो मेरे से एक बार लोकेशन ले लो, लोकेशन पे आ जाओ, वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भी आप लोग खुद जब आप आते हो ना मैप लगा के तो आपको मैप ज्यादा घुमाता है, तो घुमा के आपको जब सामने से हनुमान मंदिर से नीचे की तरफ उतारेगा उस लाइन में क्या होता है काफी ज्यादा हाथ देने वाले बंदे होते हैं, गाड़ी के आपके आगे आगे गिर जाएगा, तो आप ना एक मजबूरन आपको एक रेट लेना पड़ेगा वहां से, रेट लेते रहते फिर आप काम करा लोगे। क्या होता है, अब मैंने अपने वीडियो के अंदर भी इसका 22,500 रुपये प्राइस बता रखा है, मेरी वीडियो आप ही नहीं देख रहे, मेरी वीडियो सामने वाला भी देख रहा है, मार्केट के बंदे भी देखते हैं, तो उससे क्या होता है सामने वाला आपको जानता है जो भैया वो A4 वाले पे ही जाएगा, तो उससे क्या होता है वो आपको क्या करेगा, इस आइटमों में आपको 22,500 का ही देगा, ये आइटम मैंने जैसे 6,990 बोला था 6,990 देगा, ठीक है 6,000 भी दे सकता है, 6,000 भी दे सकता है आपको, ठीक है। लेकिन जब आप एंड्रॉइड लोगे या स्पीकर लोगे उसमें आपको कंपेयर फर्क पता लग जाएगा, उसमें आपको क्या नाम है जो पायनियर के स्पीकर जैसे 6,000 रुपए की आती है, ठीक है, तो वो आपको लगाएगा 8,500 रुपए की, अच्छा ठीक है, जो एंड्रॉइड 4,000 रुपए की आती है 4,500 की आती है वो एंड्रॉइड आपको 7,500 रुपए की लगाएगा, तो फर्क आपको वहां मिलेगा, आप इस चीज को नहीं समझोगे, लेकिन हमें इस चीज बताने में इसलिए बता देते हैं क्योंकि आप लोग ऐसे आते हो ना तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग वहां रुको मत, आप लोग सीधा आ जाओ, बोलो भाई मेरे को मेरे भाई के शॉप पे जाना है A4 पे जाना है और यही आना है और यही लोकेशन ले लीजिए, लोकेशन पर हमारा लड़का लेना आपको आ जाएगा ना। हाँ, मेरे से आप कॉल करोगे, मेरे से लोकेशन लोगे, मैं अपना लड़का भेजूंगा उस लोकेशन पे, आपको प्रॉपर तरीके से लोकेशन से शॉप पे लेके आएगा। बिल्कुल, तो यही तक अपनी देखो कुछ वीडियो रहने वाली, भाई से जरूर कॉन्टेक्ट करें स्विफ्ट अगर आपके पास बेस मॉडल है, पूरे 7 दिन दुकान खुलती है, ऐसा नहीं कि मंडे में भी नहीं खुलती, मंडे में अगर आपको काम कराया तो मंडे वाले दिन भी आ सकते हो, वो भी प्रॉपर अपना समय लेकर, और वो भी गाड़ी बोले तो 3 से 4 घंटे में प्रॉपर बेटू टॉप हो जाती है अपने, बेटू टॉप पे अपना ये भी फ्री है, ये भी फ्री रहने वाला है जो कि अपनी बूट लाइट रहने वाला है, हर कोई इन चीजों को नहीं चेंज करता अपना, है ना। यही तक कुछ अभी वीडियो रहने वाली है, अतुल भाई के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,